हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के इस वीडियो में आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, उस स्टॉक के कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल पॉइंट्स के साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। और आपसे ये भी अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद से इस स्टॉक का एनालिसिस करके देखें ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी रहे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, उस कंपनी का नाम है मॉलकॉम इंडिया लिमिटेड। अपैरल एंड फुटवेयर इंडस्ट्री का यह स्टॉक 647 करोड़ की मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी ने पिछले एक महीने में 4.07%, पिछले एक साल में 44.01% और पिछले पाँच साल में 13.67% का रिटर्न बना कर दिया है, जो कि एक अच्छा प्रदर्शन माना जा सकता है। अब अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो दिसंबर 2023 क्वार्टर में कंपनी के प्रमोटर्स के पास 73.71%, FIIs के पास 0.11%, DIIs के पास 0.09% और पब्लिक होल्डिंग्स इस कंपनी में 26.09% है। कंपनी की फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2023 क्वार्टर में कंपनी का सेल्स 95.56 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर से 12.76 करोड़ और पिछले साल से 4.23 करोड़ घटते हुए नजर आ रहा है। एक्सपेंसेस दिसंबर 2023 क्वार्टर में 83.92 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर से 9 करोड़ और पिछले साल से 1.39 करोड़ घटते हुए नजर आ रहा है। और नेट प्रॉफिट दिसंबर 2023 क्वार्टर में 6.83 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर से 2.32 करोड़ और पिछले साल से 3.92 करोड़ घटते हुए नजर आ रहा है। अब हम कंपनी के कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स को भी जान लेते हैं। शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है और बुक वैल्यू 326 रुपए है। पीई रेशियो 18.90, सेक्टर पीई 56.78, पीबी रेशियो 3.19, सेक्टर पीबी 6.69, ईपीएस 54.92, आरओई 19.9% और आरओसी 20.5% है। अब हम कंपनी के टेक्निकल्स को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों, इस स्टॉक को हमें थोड़े लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा, इसीलिए इस स्टॉक की टेक्निकल्स को हम वीकली चार्ट पर एनालाइज करने वाले हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी होगा। ये स्टॉक शुक्रवार 22 मार्च 2024 को 1038 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 1249 रुपए और 70 पैसे है और 52 वीक लो 718 रुपए है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 800 रुपए के आसपास लो बनाने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। इस अप मूव के इंडिकेशन को कंफर्म करने के लिए अगर हम आरएसआई की तरफ नजर डालें तो आरएसआई भी 30 के ऊपर चल रहा है और 14 दिनों के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है और इसके साथ एमएसईडी भी पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहा है। तो इन सब चीजों के आधार पर हम यह मान सकते हैं कि तकनीकी तौर पर ये स्टॉक स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम इसकी लेवल्स की बात करें तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 1181 रुपए और 75 पैसे के आसपास। इसका दूसरा रेजिस्टेंस होगा 1346 रुपए और 95 पैसे के आसपास और इसका तीसरा रेजिस्टेंस होगा 1549 रुपए और 90 पैसे के आसपास। अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है, इसलिए हमें इस स्टॉक में इसका ट्रेन रिवर्स होने तक बने रहना होगा। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 959 रुपए और 95 पैसे के आसपास। इसका दूसरा सपोर्ट होगा 804 रुपए और 20 पैसे के आसपास और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 667 रुपए और 35 पैसे के आसपास। अगर यह स्टॉक यहां से नीचे की तरफ जाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। अब अगर हम इस स्टॉक में एंट्री और एग्जिट की बात करें तो टेक्निकल्स के हिसाब से इस स्टॉक में एंट्री करने के लिए अभी का समय काफी सही है और इस स्टॉक में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है।
आपको ध्यान में रखना जरूरी होगा कि इस स्टॉक में यहाँ से या तो फिर थोड़ी ऊपर जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट भी आ सकता है, तो आप इस स्टॉक में अभी या तो फिर रिट्रेसमेंट के बाद भी एंटर कर सकते हैं। अब अगर इस स्टॉक में टारगेट की बात करें तो यहाँ पर कोई भी फिक्स टारगेट आपको बता पाना मुश्किल है। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें इस स्टॉक में कम से कम 3 से लेकर 12 महीने तक का समय देना होगा। तो इस दौरान जब तक यह कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती रहेगी, उसका शेयर प्राइस भी उसी हिसाब से ऊपर जाता रहेगा। तो ऐसे में आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जिट स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, जैसे कि कोई भी एक रेजिस्टेंस लेवल को आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर एक फिक्स्ड परसेंट ऑफ ग्रोथ जैसे कि 30%, 40% या 50% का प्रॉफिट आपका टारगेट हो सकता है, या फिर आप स्टॉक ओवरबॉट होने या ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार कर सकते हैं। इसके लिए आप RSI इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन को समझने के लिए, और MACD इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल को समझने के लिए, या तो फिर आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी हमसे पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में 8 से 10% का स्टॉप लॉस और 25 से 30% का मिनिमम टारगेट रखकर एंट्री बनाया जा सकता है। दोस्तों, यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इनमें कोई बाई सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।